क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर किसी बच्चे का जन्म हो? सुनने में जरा अजीब लग सकता है, मगर यकीन मानिए, एक नन्हे मेहमान का जन्म जमीन से हजारों फीट ऊपर हवा में हुआ। दरअसल सऊदी अरब से भारत आ रही जेट एयरवेज की एक उड़ान में बीच रास्ते में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ। करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W569 ने 16 जून देर रात 3 बजे दमम से कोची के लिए उड़ान भरी थी। बीच उड़ान में एक गर्भवती महिला को लेबर पेन होने लगा। उस वक्त प्लेन अरब सागर से 35,000 फीट ऊपर था। महिला की हालत देखकर परिजन ही नहीं बल्कि फ्लाइट पैसेंजर और स्टाफ के भी हाथ पैर फूल गए, मगर स्टाफ ने तुरंत महिला का ट्रीटमेंट शुरू करवाया और मेडिकल इमरजेंसी का अनाउंस करते हुए प्लेन को मुंबई की तरफ मोड़ लिया। एरोप्लेन के स्टाफ ने प्लेन में बैठी महिला नर्स से मदद मांगी और बच्चे की डिलीवरी करवाई। बच्चे का जन्म सही सलामत होने पर सब ने राहत की सांस ली। इसके बाद महिला और बच्चे को मुंबई के अस्पताल में एडमिट करवा दिया और प्लेन अपने डेस्टिनेशन के लिए उड़ गया। हालांकि इस दौरान फ्लाइट अपने तय वक्त से कई घंटे लेट हो गई, लेकिन जेट एयरवेज ने फ्लाइट में जन्म लेने वाले बच्चे को स्पेशल गिफ्ट भी दिया। जेट एयरवेज ने ऐलान किया कि विमान में पहली बार किसी बच्चे का जन्म हुआ है, लिहाजा बच्चे को लाइफ टाइम जेट के विमान में फ्री यात्रा मिलेगी। अनाउंसमेंट और बच्चे का जन्म पेरेंट्स के लिए डबल खुशी वाला रहा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।